हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जामॉट कॉम माई नेम इज रमन सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आरबीआई सर्कुलर्स एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 अप्रैल 2024 के सारे आरबीआई सर्कुलर्स का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विद एम ठीक है स्टूडेंट्स आई बी पी एस आर आरबी स्केल टू स्केल थ्री का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन बैंक एग्जाम कॉम जिसमें वी आर डूइंग द वीडियो क्लासेस नोट्स क्विजेज एंड द टेस्ट सीरीज सारे कैप्स्यूल्स और टेस्ट सीरीज जो भी हम बनाएंगे वो इस कोर्स का पार्ट होगा लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट मी माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई एम बीन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम टूडे फ्रॉम लास्ट थर्टीन फोर्टीन ईयर्स नाउ एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर वन हेजिंग ऑफ़ गोल्ड प्राइस रिस्क इन ओवरसीज़ मार्केट अभी तक देखिए जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं रेजिडेंट एंटिटीज इन इंडिया दे वर नॉट परमिटेड टू हैज देर एक्सपोजर इन गोल्ड प्राइस रिस्क इन द ओवरसीज़ मार्केट जो इंडियंस एंटिटीज थी वो उनको अलाउड नहीं था कि वो गोल्ड के जो डेरेवेटिवस हैं इन द ओवरसीज़ मार्केट उसमें पार्टिसिपेट करें इन द पास्ट वो अलाउड नहीं था अब आर बी आई सेड ओके कर लो राइट वेयर ओ डेरिवेटिव में जो है अपने जो है गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन वाले रिस्क को जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एट आईएफएससी, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी गिफ्ट सिटी में वहां पे ओटीसी डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड कर सकते हो राइट right? सो वॉट एडिशनल फ्लेक्सीबिलिटी हैज़ बिन ग्रांटेड टू रेजिडेंट एंटिटीज फॉर गोल्ड प्राइस रिस्क हैजिंग दे कैन यूज ओ टी सी डेरेवेटिव इन द आई एफ एस सी दूसरा इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर आरबीआई का आया है रिगार्डिंग द की फैक्ट स्टेटमेंट सो स्टूडेंट जब भी आप कोई लोन लेते हो वेन एव यू टेक एन ई लोन आपसे बीस तीस जगह पर साइन करवा लिया जाता है राइट बहुत जगह पर आपसे साइन करवा के उसके बाद कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आती नहीं है कि आपको एक बेसिक बताया जाता है कि आठ परसेंट पे लोन इतने साल का दैट सेट बट अभी से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है आई गेस इट्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से अप्लाई हो जाएगा एक स्टैंडर्डाइज पेपर पे जो है सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग द एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसमें सारा बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट का टाइप क्या है फ्लोटिंग है फिक्सड है राइट right? ये सारा बता फ्लोटिंग है फिक्सड है ए क्या है ए पी आर इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट का खर्चा होता है प्लस अदर खर्चे भी हैं जो भी आपके जो भी चार्जेस लगते हैं उसको एनुलाइज कर रहे हैं कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा राइट right? तो वो लिखना पड़ेगा एंड इट इज़ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट इसका फॉर्मैट स्टैंडर्ड है एंड इट इज रिटन इन ईजी लैंग्वेज और उसकी वैलिडिटी मैंशन रहती है की फैक्ट स्टेटमेंट पे इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिटेल लोन्स जितने भी रिटेल लोन्स हैं चाहे होम लोन है चाहे ऑटो लोन है, है चाहे कोई एम एस एम ई का लोन है इट इज एप्लीकेबल टू दैम एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रजिस्टर्ड एंटिटीज इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स एन बी एफ सीज आर आर बीज सब पे एप्लीकेबल होगा कोऑपरेटिव बैंक्स एन बी एफ सी सब पे एप्लीकेबल है ठीक है सारी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ पर यह एप्लीकेबल है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा सो वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो की के एफ एस इज नॉट लोन अग्रीमेंट इट सेल्फ ये लोन अग्रीमेंट नहीं है के एफ एस बट अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ द की टर्म्स सो वट डज के एफ एस स्टैंड फॉर इन कंटेक्स ऑफ लोन्स के एफ एस मीन्स की फैक्ट स्टेटमेंट के एफ एस ओके पर्पस क्या है के का टू प्रोवाइड असेंशियल लोन इन्फॉर्मेशन एंड इट इज अ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट पूरा स्टैंडर्डाइज है और इसी लैंग्वेज में है डीलिंग इन uh, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरेवेटिव प्रोडक्ट्स बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स सो स्टूडेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पास्ट में अपने इंटरेस्ट रेट uh, रिस्क को कैसे हैंडल करते थे देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता रहता है अगर मान लीजिए आज कोई बैंक सात परसेंट पे लेट्स से सात परसेंट में इन्वेस्ट कर दे आप जनता के पैसे लेके सात परसेंट पर इन्वेस्ट कर दे और लेट्स से फाइव इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दे कोई बैंक और कल को एक साल बाद इंटरेस्ट रेट दस परसेंट पर हो जाए तो बैंक बंद भी हो सकता है बहुत लॉस हो जाएगा बैंक को ऑब्वियसली सो इंटरेस्ट ये वाला जो रिस्क है इसको मैनेज करने के लिए के लिए बहुत सारे टूल्स हैं टिल डेट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे दे वर अलाउड टू यूज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ओनली बट नाउ आरबे सेड आप बाकी के टूल्स भी यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट स्वाप्स फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स भी आप यूज कर सकते हो पास्ट में से यूज करना अलाउड नहीं था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ठीक है अब अलाउड है सो वॉट इज द प्राइमरी परपज ऑफ परमिसेबल रूपी इंटरेस्ट रेड डायरेटे प्रोडक्ट टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क अनऑथराइज टू फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स सी स्टूडेंट्स अनऑथराइज फॉरन एक्सचेंज जो ट्रेडिंग करवाई जा रही है मटका ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं तो वो करवाई जा रही है ठीक है इंडिया में जो कंपनीज कंपनी तो नहीं बोलेंगे जो अनऑथराइज एंटिटीज़ हैं वो अपने कुछ एजेंट्स हायर कर लेते हैं और वो एजेंट जो हैं अपने नाम पे अकाउंट्स खोल लेते हैं जहाँ पे जो जनता से पैसे जो हैं डलवाए जाते हैं मार्जिन मनी इसमें आती है एंड ये टोटली totally अनऑथराइज़्ड है ये बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट जाके इसमें सारी ट्रेडिंग करवाई जाती है एंड आर बी सेट इट इज़ नॉट अलाउड ये नहीं होना चाहिए आर बी आई ने बैंक को बोला है अगर आ, आप पाते हो सब्बडी इज़ डूइंग अनऑथराइज फॉर एक्स ट्रेडिंग रिपोर्ट इट टू द ई डी ई डी को रिपोर्ट करें आर बी आई ने रिमाइंड किया है कि इंडिया में फेमा फेरा आ, फेमा और फॉरन एक्सचेंज डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन ई टी पी गाइडलाइंस प्रेस रिलीजेज़ आर बी आई ने याद करवाया कि ये गाइडलाइंस को ध्यान में रखें कोई अनऑथथराइज ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी ब्रांच में या बैंक में रिपोर्ट इट टू द ईडी ओके व्हाट एक्शन शुड अ बैंक टेक इफ इट इफ इफ एन अकाउंट इज यूज फॉर द अनऑथराइज ट्रेडिंग रिपोर्ट टू द ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन में कुछ एक चेंजेस हैं इंडियन कंपनीज इंडियन एंटिटीज़ जो पैसा रेज कर रही हैं फॉरेन मार्केट्स में इन्फोसिस के शेयर्स हैं यूएस में और वो वहाँ से पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसे का क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में एफएमए की गाइडलाइंस ये वाली सी प्रोसीड्स जो हैं जो प्रोसीड्स हैं अपने शेयर्स बेच के या तो द फंड फॉर बाइंग दीज मस्ट कम थ्रू पहली बात तो ये बैंकिंग चैनल से आना चाहिए वो तो ऑबियसली बात है बैंकिंग चैनल से आना चाहिए जो जो भी प्रोसीड्स हैं शेयर्स सिक्योरिटीज़ को बेच के नॉन डेट सिक्योरिटीज़ को या तो इसको रिमिट कर दीजिए अ बैंक अकाउंट इन इंडिया सिंपल अदरवाइज इफ़ यू आर डिपॉजिटिंग इट इन अ स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय द इंडियन कंपनी एंड एफ उसमें आप डिपॉजिट करके रख सकते हो ठीक है सो so, दो तरीके हैं आप जो प्रोसीड्स हैं कोई एच बैंक के लत से शेयर्स हैं यू में जो पैसा आता है या तो उसको इंडिया में भेजिए या उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करके रखिए एंड ऑथराइज डीलर बैंक कैटेगरी वन बैंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शंस टू द आर अगर पैसा मिलने के 60 डेज के अंदर अंदर पहली बात तो जो है uh, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो अलॉट करने पड़ेंगे अगर नहीं अलॉट करते देन उसको 15 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा आप ऐसा नहीं है पैसा ले लिया और शेयर्स नहीं दिए 60 डेज के अंदर अंदर देने पड़ेंगे जो है 60 डेज का टाइम पीरियड है इफ़ यू डू नॉट गिव बैक इफ यू डू नॉट अलॉट द शेयर्स पंद्रह दिन के अंदर पैसा वापस कर दीजिए ठीक है within how many days must equity instruments be issued to a person resident outside india after receiving the consideration 60 days 60 din ke andar andar jo hai allotment honi chahiye right and agar allotment nahi hui to 15 din mein paisa wapas kar dijiye okay foreign exchange uh, foreign exchange management foreign currency accounts by a person resident in india जो pichla जो, uh, jo circular hai usse related hi hai ye होल्डिंग फंड्स इन फॉरन करेंसी अकाउंट्स रेजिडेंट्स कैन नाउ होल्ड फंडस रेज थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोविंग्स ए डी आर जी डी आर अमेरिकन डिपॉजिट रिस ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स और डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द शेयर ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इन अ फॉरन करेंसी अकाउंट विद अ बैंक आउटसाइड इंडिया अब जो भी आपने बाहर से पैसा रेज किया है ए डी आर जी डी आर ई सी बी या डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ शेयर्स उससे पैसा जो रेज किया है यू कैन डिपॉजिट दैट इन अ अरेन करेंसी अकाउंट विद अ बैंक आउटसाइड इंडिया इट्स ओके दीज हेल्ड अंटिल दे आर यूज और ब्रॉड बैक टू इंडिया ओके सो टाइप्स ऑफ फॉरन करेंसी अकाउंट्स एक्सचेंज एनर फॉरन करेंसी अकाउंट इज देयर सो ज्यादा उससे मुझे लगता नहीं रिलेटेड है बट एक्सचेंज एनर फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सपोर्टर्स रखते हैं सो बेसिकली अगर लेट्स से यू आर डीलिंग इन यू एस डॉलर्स आप यू एस डॉलर्स कमा रहे हो राइट right? सो so, अगर आप इसको यू एस डॉर्स को आई एन आर में कन्वर्ट करोगे बार बार तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे बैंकस को राइट right? सो so, आप ये अकाउंट जो है डॉलर्स में ही आप मेनटेन कर सकते हो राइट सो दैट आपको बार बार चार्जेस ना पे करने पड़े राइट right? दैट इज अक्सचेंज अर्नर फॉरन करेंसी अकाउंट रेजिडेंट फॉरन करेंसी अकाउंट जिसमें आपका जो अकाउंट है वो फॉरन करेंसी में ही है ओके सो अंडर द फेमा अमेंडमेंट रेजिडेंट कैन होल्ड फंड रेज थ्रू द मेन्शन सोर्सेज इन अ फॉरन करेंसी अकाउंट एंटिल दे आर यूज और ब्रॉडबैक टू इंडिया लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्व बाय एफ पी आई जो आर है वो लिमिट लगाता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सिक्स परसेंट ऑफ़ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में टू परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिफ्टीन परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज़ सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट वॉप्स में फाइव ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कारपोरेट बॉन्ड्स ठीक है तो ये हर साल चेंज होती है लिमिट्स ओके okay? ऐसे क्वेश्चन बेसिक आ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट एफ़पीआई कैन इन्वेस्ट इन सिक्स परसेंट नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारे और भी हैं जो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं एंड उन पर बहुत सारी लिमिट्स हैं एंड आर बी सेट की ठीक है अब यूनिवर्सल प्रॉपर बैंक वाला आपको लाइसेंस दे देंगे अभी वो बैंक का प्रॉपर एक फुल फ्लैज बैंक का लाइसेंस आर बी देने जा रहा है बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रांजेक्शन होगा अब लेकिन थोड़ा सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इन द होल मंथ सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर यही है पूरे मंथ का फर्स्ट थिंग इज शेड्यूल्ड स्टैटस विद सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विद मिनिमम पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स पाँच साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक का कि वो आर बी आई की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को मान रहे हैं पिछले पाँच साल से द शेयर्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट भी लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का इक्विटास का भी आई गेस्ट अभी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे मिनिमम वन थाउजेंड करोड़ का नेटवर्थ जो है रिक्वायर्ड है पिछले क्वार्टर में सी आर आर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे हैविंग अ नेट प्रॉफिट इन लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स पिछले दो सालों में प्रॉफिट है प्रॉफिट कमाया है ग्रॉस एन पी ए और नेट एन पी ए ऑफ लेस देन थ्री परसेंट एंड वन परसेंट रिस्पेक्टिवली जी एन पी ए तीन परसेंट से कम और नेट एन पी ए एक परसेंट से कम होना चाहिए लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स में द फॉलोइंग कंडीशन शेल बी एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न देर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एलिजिबल एस एफ बी टू हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर हावर एक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई आ, जो प्रमोटर है प्रॉपर आइडेंटिफाइड प्रमोटर होना जरूरी नहीं है राइट फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी का इस टाइम पे नहीं है ओके okay? सो so, कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि दे शुड हैव एन आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स लेकिन नया प्रमोटर एड ऑन नहीं हो सकता ट्रांजेशन के टाइम पे राइट right? जब ट्रांजिशन हो रहा है तो नया प्रमोटर ऐड नहीं हो सकता देर शेल बी नो मैंडेटरी लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम शेयर होल्डिंग फॉर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स कोई मिनिमम लॉक इन पीरियड नहीं है एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के लिए वो चाहे तो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं देर शेल बी नो चेंज टू द प्रमोटर शेयर होल्डिंग डल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय आर बी आई कोई चेंज नहीं होगा प्रमोटर शेयर होल्डिंग डल्यूशन प्लान में कि अपना शेयर होल्डिंग कम करना पड़ता है प्रमोटर को आफ्टर सम टाइम तो वो जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर लगेंगी एलिजिबल एस के पास डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो होना चाहिए अलग अलग ऑटो लोन भी दे रहे हैं एडुकेशन भी दे रहे हैं हाउसिंग लोन भी दे रहे हैं तो जो डाइवर्सिफाइड होगा उसको ज़्यादा जो है कंसिडर किया जाएगा लाइसेंस देने के लिए बैंकिंग का सो एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक अच्छा चांस है और इक्विटास का भी एक अच्छा चांस है जना का भी अच्छा चांस है कि उन्हें प्रॉपर फुल फ्लेज लाइसेंस मिल जाएगा प्रॉपर बैंक का सो ऐसे भी एक वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज में डील कर पाएंगे इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर बेस इन्हांस्ड कम्पेटिव कंपेटिवनेस और नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर पाएंगे वॉट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजेक्शन एज यूनिवर्सल बैंक शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम नेटवर्थ हज़ार करोड़ रुपए का है सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड आई गेस पिछले आई गेस पाँच साल का था एक सेकेंड पिछले हाँ पाँच साल का था पाँच साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए तीन का नहीं चाहिए और जी एन पी ए तीन परसेंट है और एन पी ए एक परसेंट मैक्सिमम है ठीक है तो शेयर्स शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक हज़ार करोड़ का तो ठीक है लिस्टेड ऑन ये पिछले वाले क्वेश्चन को ही रिपीट हो गया थोड़ा सा सो टू ई ईयर्स का प्रॉफिटेबल फॉर लास्ट टू ईयर्स नॉट फाइव ईयर्स ठीक है so let's move forward now this is a circular from SEBI तो अभी आर बी आई के circular करते करते SEBI का भी कर रहे हैं because this is very very important related है exams के लिए करना चाहिए सो कॉरपोरेट बॉन्ड जो इशू होते हैं द कॉरपोरेट बॉन्ड जो इशू होते हैं उनका जो फेस uh, वैल्यू था इट वॉज प्रीवियसली सेटेड वन लाख रुपी एंड नाउ द फेस वैल्यू इज टेन थाउजेंड रुपी तो अभी रिटेल इन्वेस्टर जो हैं इस पर इन्वेस्ट कर पाएंगे पहले वन लाख रुपी हुआ करता था नाउ टेन थाउजेंड रुपी है मिनिमम जो फेस वैल्यू है कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज की इट इज टेन थाउजेंड रुपी अभी रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे राइट सो दिस इज द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वट इज द न्यू फेस वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज सेट बाय से बी टू इनहस रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इट इज टेन थाउजेंड रुपीज इट यूज टू बी वन लाख रुपीज बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं सो आई होप यू लाइक द टुडे सेशन एंड इफ यू लाइक इट यू शुड ज्वाइन द आई बी एस आर आरबी स्केल टू एंड स्केल थ्री कॉर्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जामॉट कॉम इन विच वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वीडियो क्लासेज

सो लिस्ट ऑफ आर ऑफ आल आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल दी स्टूडेंट्स दर टू का पिछले साल के हमारे आर आर बी के स्टूडेंट्स सो लेट मी शो देर फेस मेरे हथ शक्ल दिखाना इतना जरूरी नहीं इनकी है इनकी so uh, really, really जरूरी है सो ऑल दिस टॉर्सेज इन द पास्ट एंड द करे द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स द आर बी स्केल टू स्केल थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन द पी एन बस ओ क्रेडिड ऑफिसर ऑल दु काज इन द पास्ट एंड द कर द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दम ये आर आर ब्वेंटी ट्वेंटी टू के स्टूडेंट्स हैं हमारे so all these students they took our uh, course and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye